दोस्तों, इस वक्त यूपी T20 लीग से कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं और अगर आप प्लेयर्स यूपी T20 लीग के इन अपडेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि इस वक्त यूपी T20 लीग के लिए ऑक्शन चल रहे हैं। लेकिन प्लेयर्स के लिए दिक्कतें ये आ रही हैं, उनके लिए चिंताएं ये हैं कि कई सारे प्लेयर्स का नाम ऑक्शन में आया ही नहीं है। तो ये प्लेयर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि यार, मेरा इतना बढ़िया ट्रायल्स भी था, सारी चीज़ें हुई, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा, बावजूद इसके आखिर ऑक्शन में हमारा नाम आया क्यों नहीं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है भी प्लेयर्स के लिए, खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो लगातार मेहनत कर रहे हैं यूपी T20 लीग या फिर किसी भी ऐसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। निश्चित तौर पर कहीं ज़्यादा मेहनत हो रहा है उनकी तरफ से, लेकिन अगर फिर ऐसा डिले देखने को मिलता है कहीं से कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद उन खिलाड़ियों को ऑक्शन में या फिर ट्रायल के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ हैं, उनमें अगर कोई उनका नाम नहीं दिखता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो एक चिंता का विषय है भी प्लेयर्स के लिए। और इस वजह से प्लेयर्स का घबराना कहीं ना कहीं स्वाभाविक है। तो होना ये चाहिए दोस्तों कि जब भी कोई एसोसिएशन या फिर फ्रेंचाइज के तरफ से कोई ट्रायल लिया जाता है, कोई कैंप होता है, तो उसका जो रिजल्ट है वो एज सून एज पॉसिबल यार डिक्लेयर कर देना चाहिए कहीं ना कहीं एसोसिएशन या फ्रेंचाइज को। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों, प्लेयर्स का क्या होता है, वो लगातार कहीं ना कहीं मेहनत करते हैं कि यार यूपी T20 लीग या फिर ऐसी कोई भी टूर्नामेंट या फिर कोई ऐसा कैंप हमें मिले जहां से मैं ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करके आगे बढ़ सकूं। और उसके बाद जब वो उन कैंप्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो उनके लिए इस बात का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन आगे हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि फिर आगे उनको उस तरीके से तैयारी वगैरह भी करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं माइंड में, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जब रिजल्ट आ जाता है। तो अभी दरअसल हुआ ये है कि यूपी T20 लीग के लिए ऑक्शन चल रहा है और ऑक्शन में कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम नहीं आ पाया। हालांकि यूपी एसोसिएशन जो है, यूपी के जो यूपी T20 लीग जो है, उनके तरफ से जो अलग अलग टीमों के तरफ से जो ट्रायल्स हुए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं वादे किए गए थे, ये ट्रायल्स भी अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए ही थे। यानी कि वादे ये थे कि जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, यानी कि जिन्होंने अब तक स्टेट वगैरह नहीं खेला है, BCCI का टूर्नामेंट वगैरह नहीं खेला है, उनको इन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को, अच्छा परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स को ऑप्शन में जगह दी जाएगी और यूपी T20 लीग खास करके उनको खेलने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अब तक जो ऑक्शन बीता है, उन ऑक्शन में उन खिलाड़ियों का नाम ही नहीं आया, उन प्लेयर्स का नाम ही नहीं आया जिन्होंने ट्रायल्स दिया था और ट्रायल में बढ़िया प्रदर्शन किया था। तो इस वजह से कई सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रहे हैं। बट रियलिटी ये है दोस्तों कि अब तक उन सभी खिलाड़ियों का वाकई में हुआ नहीं है कोई ऑक्शन वगैरह। तो आपका नाम अभी मिस हो गया, ऐसा कुछ है नहीं कि उन खिलाड़ियों का जो ट्रायल्स वगैरह जिनका गया था, जिन्होंने ट्रायल्स बढ़िया दिया था, बढ़िया ट्रायल्स उनका बीता था, उन खिलाड़ियों को अब तक दरअसल उनका ऑप्शन हुआ नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझ करके रखिए कि यार मैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया, अभी रिजल्ट उसका आया नहीं है। तो हो सकता है आपको आगे ऑप्शन में आपका नाम देखने को मिल जाए, उन खिलाड़ियों का नाम देखने को मिल जाए जिन्होंने ट्रायल्स दिया था और ट्रायल्स में बढ़िया परफॉर्म किया था। इसके अलावा आपको यूपी T20 लीग में भी अपना नाम और उन खिलाड़ियों का नाम देखने को मिल सकता है जिन्होंने ट्रायल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि ये UPCA जो है, यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, उनके तरफ से एक्चुअली ये टूर्नामेंट कराया जाता है। तो अब ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों UPCA से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी नहीं जो आपको कमिटमेंट मिला हो उनकी तरफ से और उसे पूरा नहीं किया जाए। लाइक आपको ये बताया गया था कि ये जो ट्रायल्स बीत रहे हैं वो अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए हैं। तो सीधी बात यह है कि आपको अगर आपने वाकई में बढ़िया परफॉर्म करा होगा, ट्रायल्स अगर आपका अच्छा बीता होगा, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों यूपी T20 लीग के लिए, जो कि 24-25 में खेली जानी है, बहुत जल्दी शुरू होगी। तो ये जो लीग है दोस्तों, उसके लिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। तो अब एक और चीज मैं आपको ये बतानी चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप में से किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स का सिलेक्शन हो और निश्चित तौर पे वो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम निश्चित ही रोशन करें, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतर चीज़ें करें, बढ़िया परफॉर्मेंस करें वहाँ पे यूपी T20 लीग में। बट आप में से कुछ ऐसे खिलाड़ी जरूर होंगे दोस्तों जिनका शायद से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये भी एक सच्चाई है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा। एक्चुअली ये जो है ना दोस्तों, यूपी T20 लीग वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए, उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अब तक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नहीं खेला है। तो
तो ये एक बार फिर से आपको अगले सीजन भी देखने को मौका मिलेगा, तो उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए जैसे ही रिजल्ट आती है। अभी भी जब तक रिजल्ट नहीं आई है आप वेट मत कीजिए इस चीज का कि यार रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें करूंगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस वगैरह जो है वो जारी रखनी है और बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। रिजल्ट थोड़ा डिले भी हो जाए इट्स ओके, बट आपको बेहतरीन प्रदर्शन अगर नेक्स्ट ईयर भी करना है या इस साल भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो निश्चित ही उसके लिए आपकी प्रैक्टिस जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो एक चीज तो ये हो गया दोस्तों कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है और उसके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। बट अगर आप में से किसी भी खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपकी जो प्रैक्टिस है उसको और बेहतर करनी है। कहीं से आप टिप्स वगैरह और भी ले सकते हो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसके वजह से कहीं ना कहीं वो परफॉर्मेंस आपकी तरफ से देखने को नहीं मिल पाया सेलेक्टर्स को। तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद के कोच से भी डिस्कस करोगे तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा जब आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे जो आपके कहीं ना कहीं कोच की तरफ से बताया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं वो आप निश्चित तौर पे अच्छे ढंग से करोगे, जो भी प्रैक्टिस है आपकी अगर आप उस प्रोसेस पे स्टिक हो अच्छे तरीके से तो निश्चित तौर पे या तो इस सीजन या अगले सीजन आप जरूर UPT20 लीग खेल पाओगे। बाकी दोस्तों कोई अपडेट वगैरह रहेगी आप प्लेयर्स के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट या फिर किसी भी स्टेट से तो निश्चित ही मैं पोस्ट या फिर वीडियो के जरिए बता दूंगा, या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका जो व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों जहां पे आप हमें मैसेज करेंगे तो वहां से मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो जो नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ग्रुप जो है दोस्तों व्हाट्सएप का वो पेड है, उसके कुछ चार्जेस वगैरह हैं, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहां से मैं आपको ऐड कर दूंगा ग्रुप में, तो सारी अपडेट्स वगैरह जो है वो आपको वहां से मिलती रहेंगी। तो निश्चित तौर पर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उन प्लेयर्स को अगर उनके आप चाहे पेरेंट्स हो फ्रेंड्स हो कुछ भी है दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे प्लेयर को जानते हो जो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि यार अभी तक ऑक्शन वगैरह जो हुआ है उसमें मेरा नाम नहीं आया, ये वीडियो उनके साथ जरूर आप शेयर कीजिएगा ताकि वो चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। बाकी दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी और भी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।